बैक टू रिच एंड सोरो वर्ल्ड। और आज एक्चुअली आपको पता समर्स चल रही है और हमारा ना बहुत मन हो रहा है मैंगोस खाने का। समर में जैकेट डाल के आई हो? जैकेट नहीं है, दिस इज कोट। और इसमें गर्मी नहीं, स्टाइलिश कोट है। ओह माय गॉड। बेसिकली गाइस अभी हम लोग थोड़ा फ्री थे, हमने सोचा चलो फटाफट इंडियन स्टोर जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैंगोज मिलते हैं, तो पूरी पेटी लेके आने वाले मैंगो की। वैसे तो पहले भी खाए हैं कितनी बार, लेकिन आज सोचा आपको भी लेके चलते हैं कि यहाँ की मैंगो शॉपिंग और थोड़ा बहुत और भी सामान लेना वो भी कर ले। वैसे मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ गाइस, मैं बहुत ही कम मैंगो खाती हूँ, लेकिन सौरभ इज टोटली अ मैंगो मैन। मैंगो मैन ये खाती नहीं है क्योंकि इसको पिंपल्स हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि गर्मी के कारण पता नहीं गाइस मुझे पिंपल हो जाते हैं, तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, कोई जबरदस्ती एक आधा खा लूं। और ये तो मतलब मैंगो का शौकीन है। की दूसरी पेटी आने वाली है। हाँ, क्योंकि मैं इसको मैंगो लाने ही नहीं देती घर पे, क्योंकि मुझे होता है मेरा मन करता है खाने को गाइस, और फिर मैं खा नहीं सकती, मेरे पिंपल्स हो जाते हैं। हाँ, और इस चक्कर में मेरे ऊपर टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर? तो ये तो बाहर से खा खा के आ जाते हैं, उसका क्या? मैंगो आइसक्रीम, मैंगो ये, मैंगो वो, उसका क्या? सौरभ तुम डिक्की में क्या देख रहे हो? मास्क? हाँ मेरे पास तो है। मेक्सिको चिली गाइस, बहुत सारे लोगों ने पूछा था ये पिक एंड सेव है, यहाँ पे आपको हर एक इंडियन आइटम मिल जाती है, इन केस अगर आप आसपास रहते हो। ये रहे मैंगो हमारे, यम्मी। बड़ी वाली लेनी है? हाँ गाइस, ये देखिए ये बड़ी पेटी है और प्राइसेस इनके दिए हुए हैं कुछ ऐसे, रेड पाकिस्तानी 15 pounds। ये इंडियन मैंगो है, ठीक है ले लो, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। मैंने रिचा ले रही है ग्रीन इंडियन मैंगो। ओ माय गॉड, 3 packets, इतने ज्यादा क्या करने हैं? खाएंगे अभी, लास्ट खा लो जितने खाने। ठीक है, शक्ल तो दिखाई पड़ मैंगोस की। ओ मैंगो की शॉपिंग हो गई है, अभी हम नारियल पानी लेने वाले हैं, कोकोनट वाटर। गाइस यहाँ पे कोकोनट वाटर की काफी अच्छी वैरायटी लगी हुई है, तो सोच रहे हैं कि एक पेटी उसकी भी ले ही जाए। छोटे छोटे भी लगे हुए हैं ना, बच्चे कोकोनट वाटर। दिस इज 1 pound each, और ये थोड़ा बड़ा वाला भी है, हम बड़ा ले लेंगे। तो हमारा जो इवनिंग स्नैक्स है खाखड़ा फाखड़ा, पहले मेथी वाला, वो हमने ले लिए, दो पैकेट पोहे, सॉरी पनीर ले लो एक। And my favorite पाले जी। रिचा और उसका हेल्दी दलिया, मतलब जब जाती है दलिया का पैकेट उसको लेने। पोहा, ओट्स, ब्रेकफास्ट में यही खाने का। हाँ, और फिर अब और फिर लाइफ में कोई मोटापा नहीं आने का। तो आजकल पीजे बहुत मारने लगे सौरभ, लॉजिक क्लास पीजे तो ऐसे ही होते हैं तुम्हारे साथ। ट्रिप में गया था गाइस, उसने पूरा टाइम फालतू वाले सड़े सड़े पीजे खा रहे हैं, इसलिए अब्बा ने आपके साथ रह के सुनो ऐसे पीजे निकल गए। तो मेरा दलिया, कौन सा वाला दलिया, बड़ा वाला साइज? मोटा दलिया। ओके, और वो भी यहीं पर मिल जाएंगी। और क्या बात है, ले लो सब ले लो, अपनी माल है अपना, नहीं पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में नहीं दे रहे वो। कौन सी रिसर्च कर रहा है यहाँ के, क्या क्या ढूंढ रहा है यहाँ पे? सब आटा है, दाल, आटा, दाल, चावल, तेल, बड़े बड़े पैकेट थे ना यहाँ पे, तो बड़ी चीजें ले सकते थे कुछ बल्क में। तो ये लो ना तुम्हारा पहला, तो कोकोनट वाटर एक पेटी ले लो। हफ्ते का जुगाड़, हफ्ता नहीं ज्यादा ही निकल जाएगा, 2 हफ्ते का जुगाड़, 2 हफ्ते तो निकल जाएगा। आजकल बेचारा हेल्दी, अब कोल्ड ड्रिंक तो पीने को मिलेगी नहीं, तो हर कोकोनट वाटर ही पिएगा। आज मैंने तुम्हारे कितने पैसे बचाए? फिर से 6 pounds। मैंने आज सौरभ के 6 pounds बचाए। वो कैसे, ये भी बता दो। मतलब गाइस इस बेलपुड़ी का इन्होंने हमें 3 बार चार्ज किया एक्स्ट्रा, मतलब 3 बेलपुड़ी थी, 6 बार चार्ज कर दिया। बेलपुड़ी का 12 बार चार्ज किया है, और चलो बाय वन गेट वन डिस्काउंट पे हमें फिर भी डबल चार्ज कर रहे थे। और मैंने कहा मैडम आपने गलत चार्ज कर दिया। वो कह रही होगी मैडम की नजर बड़ी शार्प है। हाँ, होनी चाहिए भाई, पैसे बचाने। और गाइस ये पेटी हमें मिली है 21 pounds की, मोटी मोटी अगर 12 अगर आप ले लो तो एक करीबन 2 pounds के करीब है।
जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो घर जाके अब करेंगे मैंगो का सेवन और साथ में पियेंगे कोकोनट पानी। नहीं मतलब कि तुम मेरे को मैंगो खिला खिला के चिढ़ाओगे और मैं तो सिर्फ एक पीस खा। तुम देखोगे और मैं खाऊंगा, तुम मुझे काट काट के दे देना या फिर चमचे से खिलाओ हाथों से। मैं अपने हाथों से काट करके तुमको खिलाऊंगी, है ना। हाँ, और फिर साथ में ना हवा भी जल देना और बोलना मेरे प्राणी नाथ प्राणी नाथ। चलो ये देखो गाइस, मेरे को पूरा बड़ा वाला बैग पकड़ा दिया है और खुद छोटा दलिया पापा पकड़ के जा रहा है। ये देखो मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार, खूनी दरिंदा। भाई मेरा मोड़ा तक गया यार। किसने बोला था इतना सामान खरीदने के लिए? एक चीज लेने गए थे, एक चीज मैंगो, और पता नहीं क्या ले आए। गाइस घर पहुंच चुके हैं और सौरभ ने ना और सबसे पहले गाइस हमने आते ही पूजा कर ली है भगवान जी फर्स्ट, जय माता दी। और अभी सौरभ एक्साइटेड है, आलू पराठा, आलू यहां पे मतलब सब हेल्दी चीजें, आलू पराठा, मैंगो देख लिए लोगों ने, देख लिए मैंगो और यहाँ पे पूरा हमने सारा खलारा डाल के रख दिया, अब हम संभालेंगे। और गाइस हमारे कुछ कोरियर भी आए हैं, अभी ऊपर लेके आए हैं, तो लेट्स ओपन दिस वन फर्स्ट। तो गाइस ये देखो, मेथी तो ना कभी भी इंडस्ट्री जाएगी ना, ये छोड़ेगी नहीं। यार मुझे मेथी तो है जो अच्छी लगती है। हाँ, इंडियन वेजिटेबल्स में है ना भाई, मेथी और आलू साथ में, गोभी आलू, गोभी मटर, मटर पनीर आलू यार, और बेलपुड़ी पे यार आज ना बाय वन गेट वन लगा हुआ था। हाँ। तो हमने कहा कि ले लो, ऐसे भी तो हम दो दो पाउंड का एक पैकेट लेके आते हैं, इस बार तेरे को हाफ प्राइस पे मिल गया। तेरा हाथ पहुंचेगा, तेरा हाथ पहुंचेगा। हाँ तो फिर इधर रख देना नीचे। हाँ। मैं रख देता हूँ। तो आज तो बनेगी मेरे हाथ की प्याज टमाटर वाली मैगी, सौरभ स्पेशल सेट, नहीं सौरभ शेफ स्पेशल मैगी। भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में ना रोज खाइए रोज। तो सारा सामान संभाल दिया, पार्ले जी बिस्कुट बचे हैं। सुन सुन के रिचा देख रही है क्या करूँ यार ये मैं खाऊंगा और तू मुझे देखेगी कितना। एक पीस तो खा लूंगी ना, एक पीस, एक पिंपल नहीं होगा, बट ज्यादा खाऊंगी तो पिंपल होता है फिर। तो तेरी मर्जी, मुझे पहले हम भोग लगाएंगे भगवान जी को गाइस, और उसके बाद हम मैंगोस का खुद खान पान करेंगे। खान पान क्या भाई, पहले हम ये कोने खोल लें एक बार फटाफट। चलो खोल। तो पहला शेड, तो पहला आइटम है गाइस, मैंने शेड्स मंगाए हैं अमेज़न से जो मुझे अच्छे लगे थे। देसी ब्रांड, देसी ब्रांड नहीं है, लगी समझ। अच्छा जी, जो अच्छे लगे थे किसी सेलर के तो मैंने मंगा लिए। मैंने कहा कभी कभी थोड़ा एनिमल प्रिंट टाइप अच्छा लगता है ना। एनिमल प्रिंट का है यार, हल्का सा उसमें लुक आ रहा है ना, पता भी नहीं लग रहा। एंड नेक्स्ट आइटम है, ये किसने मंगवाया तुमने? ये मैंने मंगवाया, हमारा पिछला वाला सारे खराब हो गए हैं। अरे यार सही तो है गाइस, मेरे को फालतू में पैसे बर्बाद कर दिए इसने। क्या बात है, तो इसमें सिक्स पीसेस है यार, तुम्हें मंगवाने की जरूरत नहीं थी वैसे इसको। यार अच्छे लगे थे, घर में थोड़ी सजावट के लिए कोई अच्छी चीज नहीं भी यूज करनी होती ना, जब मुझे चॉपिंग करनी होती है तो अच्छा लगता है। शॉपिंग तो तुम्हें अपनी चॉपिंग के लिए अलग से नाइफ चाहिए? हाँ मुझे को तो चाहिए। घर की चीज है, ओके ये स्टैंड है बेसिकली, और नाइफ अलग है उसके साथ। हाँ पर चलो अच्छा लग रहा है। हाँ ये इसमें 5-6 नाइफ आ जाएंगे, वो डिजाइन अच्छा लग रहा है यार, उससे बेटर ही है। हाँ, अब उसको फेंकने का टाइम आ गया है। हाँ, अब देख फटाफट ऐसे लगेगा गाइस, ये इस तरह से दिखेगा कुछ। तो गाइस ये है एक वेइंग मशीन जो इसने अपने पतले होने के चांसेस के लिए मंगाई है। यार मुझे ना मेरे को ना फुल मेजरमेंट करना है कि फैट कहाँ पर है बॉडी में, बॉडी वाटर कंटेंट कितना है, सारा कुछ पता होना चाहिए, सिर्फ वेट नहीं चाहिए। ये गाइस कुछ इस तरह से है, नॉर्मली है, लेकिन पहले बाहर तो निकालिए। हाँ हाँ ये देखिए इसमें ये क्या, आई थिंक बहुत सारी चीजें, नेक्स्ट वीडियो में कभी हम जब गाइस इसको चलाना स्टार्ट करेगी ना ऐसे कुछ दिखेगी, बड़ी प्यारी लग रही है ना। हाँ, और इसमें काफी चीजें अच्छे मेजरमेंट्स होंगे। यस लुक लाइक अ यू नो क्या ड्रीम इसमें ऐसा क्या है अभी हमारे पास जो है वो नॉर्मल है, उसमें नॉर्मल बैठा था, बट दिस विल गो ना गिव अस द फुल डिटेल मेजर। तो नेक्स्ट आइटम आ चुकी है बाहर, फुल ये मैंने मंगाया, मुझे बहुत जरूरत थी इसकी। हाँ। जैसे फ्रूट यूज और ये सब पीना हो ना, तो रिचा तो अभी से इसको इस्तेमाल करना शुरू करने वाली है। नहीं यार ठीक है, जब चाहिए होगा तब फ्रूट वगैरह कुछ, वो स्ट्रॉबेरी शेक और ये सब बनाएंगे इसमें, स्ट्रॉबेरी शेक और मैंगो शेक। हाँ। तो अभी हम अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। गाइस समर्स में मैंगो तो सब लोगों को अच्छे लगते ही होंगे। ये तो खाओगे हमारे साथ। नहीं
वाओ यम्मी इन योर टमी। आज पहली बार तूने ये नहीं बोला इन माय टमी, क्योंकि ये मैं ज्यादा खाऊंगी नहीं ना, इसलिए इस इन योर टमी। अच्छा सारे मैंगो फ्रिज पे लगा रही है ताकि ठंडे हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि ठंडे ठंडे मैंगोस होते हैं ना जो बर्फ के अंदर से, लाइक पूरे ठंडे ठंडे पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, और पेटी मेरी खत्म भी होगी? खत्म होगी, अभी कल खाओगे तो भर भर के। हां ये तो कल तक खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी हो रही है सौरभ स्पेशल मैगी की तैयारी। देखिए कितनी फाइन चॉपिंग करता है ना, मतलब लिटरली मैं इसकी चॉपिंग पे फिदा हूँ। अच्छा जी, मेरे पे और कोई फायदा नहीं है, सिर्फ चॉपिंग। अरे यार तुम पे तो हूँ ही मेरे फिदा। अरे पोलू राम कौन होता है पहले ये बता। तुम बोलो पोलू राम। गाइस आप बताओ ये पोलू राम है कि नहीं? ये पोलू राम है। तो यहाँ पे मिस्टर शेफ प्याज और टमाटर का बहुत ही बढ़िया वाला तड़का लगा रहे हैं। ओ क्या खुशबू आ रही है उधर, मैगी मसाला भी डाल दिया हुआ है। हाँ और साथ में पूरी मैगी बन रही है और गंद पूरा मचा दिया है, तो वो मैगी बस रेडी होने वाली है। और क्या, मेरे हाथों में जादू है। जादू सही है यार, खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है। स्मेल और तुम्हारी आंखों में पानी क्यों आ रहा है, रो क्यों रहे हो? प्याज मैंने काटे, तूने कौन सा कोई हेल्प किया? तो यहाँ पे मैगी रेडी हो चुकी है, चाय रेडी हो चुकी है, साथ में थोड़े से चावल प्रिपेयर किए हैं मैंने न्यूट्री वाले। और ये देखिए मजे ले रहा है मैंगो के और साथ में टीवी लगा के। अब कभी भी यहाँ पे खाने का ही सामान है, भगवान क्या केकड़े वेकड़े लगाए हुए हैं। तुम तो ऐसे तो शेफ बनने वाले हो, अब फ्यूचर शेफ आने वाला है। तो मैं मैंगो एंजॉय करता हूँ, आप लोगों को बोलते हैं बाय। यहाँ पे रिचा क्या कर रही है? बार बार मैंगो बोल बोल के बन दुखा रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही पीस खाने वाली हूँ। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। तो गाइस बाय बोलते हैं और अपना छोटा मोटा जो डिनर है वो कर लेते हैं फिलहाल, और आप लोगों को मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो, और ऐसे ही ये क्या बीच बीच में तंग कर रहे हो? ये लाइक हो गया, ये सब्सक्राइब हो गया और बेल आइकन जो भी घंटी होगी प्लीज उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।